नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती से खास बातचीत की न्यूज़लाइन चैनल हेड रामचंद्र झा ने। नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मधुपुर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने 1 फरवरी को अपना योगदान दिया है और आज 10 फरवरी है। इन 10 दिनों में नए प्राचार्य के रूप में किस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा, क्या कुछ अनुभव मिला अब तक, जब से ये ज्वाइन 1996 में मधुपुर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में किए थे, बच्चों से मुखातिब होते रहे, लेकिन अब प्रशासनिक जिम्मेवारी मिली है, किस रूप में देखते हैं और वर्तमान में इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इन्हीं कुछ सवालों के लेकर बातचीत करेंगे डॉक्टर भारती से। सर, आपका स्वागत है हमारा आज के खास कार्यक्रम में। आपने योगदान दिया, सर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता है महाविद्यालय परिसर में सबसे पहले शिक्षण का माहौल स्थापित करना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से हो, सेमेस्टर 1 से लेकर के और सेमेस्टर 6 तक के सारे क्लासेज अभी कोरोना काल में चूँकि ऑनलाइन हो रहा है तो हमारे सभी शिक्षक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों की जो नियुक्ति होती है वह पढ़ाने के लिए होती है, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले और महाविद्यालय परिसर में एक शैक्षणिक वातावरण का स्थापना हो और आम गार्जियन में अभिभावक में यह मैसेज जाए, यह संदेश जाए कि महाविद्यालय में पठन पाठन नियमित रूप से हो रहा है। ये तो सर आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं महाविद्यालय में कई सारी चुनौतियां भी हैं, इन चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार से करेंगे सर? देखिए, महाविद्यालय में कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी जो है वह बहुत ही कम है। हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टीज में 19 पद सेंक्शनड हैं जिसमें 11 है ना, 11 टीचर हम लोग है ना, कितना है, 11 में दो चले गए, नौ कंट्रेक्चुअल टीचर हैं और 4 हम लोग परमानेंट टीचर हैं, तो 9 × 4 = 13 टीचर हैं, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ स्नातक स्तर पर मोर देन 6000 है। तो एक बड़ी चुनौती है कि हाउ टू टीच आवर स्टूडेंट्स, माने कम टीचर के द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ावें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती है क्या कि हमारे यहाँ नॉन टीचिंग का घोर अभाव है, केवल 3 4th ग्रेड के एम्प्लॉयर परमानेंट एम्प्लॉयर्स रह गए हैं और 1 भी 3rd ग्रेड का एम्प्लॉयर्स नहीं है, जबकि हमारे यहाँ 11 सेंक्शन पोस्ट है क्लर्क का, 1 भी नहीं है। मैं एक तारीख को ज्वाइन किया और 3 तारीख को हम दुमका जाकर के अपने ऑनरेबल VC मैडम को सारी मैंने असुविधा से अवगत कराए हैं और उन्होंने रिस्पॉन्स भी ली कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा टीचिंग फैकल्टीज़ की कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। फैकल्टीज कमी की दूर जाए, हमारे सबसे दिक्कत एक यह है शिक्षा के क्षेत्र अथी में हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कि साइंस का 1 भी पद जो है ना, साइंस का 1 भी पद मेरे यहाँ सेंक्शन नहीं है। और पढ़ाई तो हमारे यहाँ इंटर लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक तो होता है, बॉटनी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, बट मेरे यहाँ 1 भी सेंक्शन पोस्ट नहीं है, राज्य सरकार सेंक्शन नहीं की है, जिसके चलते हमें फैकल्टीज नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चे जब कैंपस में आते, मैं आज भी देखा कि बच्चे आए और बच्चे को मैं जब फैकल्टी नहीं दे पाया तो मैं फील वेरी डिसपॉइंटेड, मैं बहुत उदास हुआ कि बच्चे मेरे आए पढ़ने के लिए और मैं उसको पढ़ा नहीं सका, फैकल्टीज को हमें, तो ये बहुत बड़ी कमी है। और चुनौतियाँ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यही है। और अभी हमारे सामने एक तीसरी चुनौती है कि नैक से अगले साल इनकमिंग 22 माने सितंबर में हमारा नैक का एक्रीडेशन होने जा रहा है 2nd साइकिल का, तो हमारे महाविद्यालय के लिए, मधुपुर महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमको नैक के 2nd साइकिल को पूरा करें। 2nd साइकिल में भी हमको बी ग्रेड से ऊपर उठना है, 1 ग्रेड हासिल करना है, 1 ग्रेड अगर हासिल मैं नहीं करूँगा तो हम UGC से जो ग्रांट आती है वह हमें बंद हो जाएगी। तो
तो इसलिए हम सबों को जोर शोर से लगना है कि नेक का ग्रेजुएशन हमको अच्छा मिले, और उसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी में लग भी गए हैं। चौथी चुनौती है हमारे सामने कि हम जो फिर चेयर पर बैठे, तो मुझे तो 25 साल यहाँ के कैंपस का अनुभव है, मेरा 25वां साल चल रहा है, तो मैं महाविद्यालय के अंदर बच्चों में डिसिप्लिन और कर्मचारियों में वर्क कल्चर, ये दो कुछ मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे अनुशासित रहें, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी लें, और कर्मचारी जो जहाँ हैं, जो टीचर शिक्षक लोग पढ़ाएं, हम अपना काम करेंगे और हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं वो कार संस्कृति डेवलप करें, तो ये उसको डेवलप करना भी मेरे लिए एक चुनौती का मुद्दा बन रहा है। अब जैसे कि आप बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस लेना है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है संथाल परगना क्षेत्र का, मधुपुर काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, कई लोग गरीब तबके के लोग हैं, दूर दराज गाँव से आते हैं, किन्हीं के पास ना मोबाइल होता है, नेट होता ना नेट उपलब्ध हो पाता है, नेट की स्थिति भी काफ़ी बदतर, तो ऐसे में आप कैसे मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस संभव हो सकता है यहाँ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरा देश पूरा विश्व की बात कीजिए और भारतवर्ष खास करके संथाल परगना की आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो SKMU में आते हैं। संथाल परगना एरिया जो है वह गरीब और पिछड़ों का एरिया माना जाता है, तो अब कोविड का सिचुएशन ऐसा है कि हमको ऑनलाइन तो अभी पढ़ाना ही है, कोरोना काल का फेज चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में जो अर्बन एरियाज के बच्चे हैं वो तो आराम से, मैंने प्राय बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल रहता है तो वो तो बेनिफिट ले लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मोबाइल, जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहता है, तो मेरे ख्याल से आज ऐसे बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से 30-40% होगा, मैं जो एक अनुमान लगा रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे परिवार में है अब एंड्रॉयड मोबाइल, और एक उत्सुकता भी जगी है, एक जागरूकता आई है, तो गार्जियन व्यवस्था कर रहा है, तो किए हैं व्यवस्था, तो अगर 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 मैं 60% बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ, तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा है वह मेरे ख्याल से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे जागरूकता हो रही है, और अब तो कोरोना का फेज लगभग समाप्त होने की ओर है, हम लोग UGC का पेपर के माध्यम से जाने हैं कि अब जो है ना महाविद्यालय विश्वविद्यालय में मैंने ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने जा रहा है, इसलिए ये कोई खास मैटर नहीं रहा, ये चैलेंज नहीं रहा। अब जैसे कि NSS खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में काफ़ी बच्चे यहाँ के दिलचस्पी लेते थे, कुछ दिनों से इन सभी में रुचियाँ काफ़ी घट गई है, क्या इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? देखिए शिक्षा जो है वह मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, शिक्षा का मतलब यही नहीं होता है केवल हमको पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आम बच्चों में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का डेवलप होना, तब उसका पर्सनालिटी का जो है सर्वांगीण विकास माना जाता है। तो हमारे महाविद्यालय के परिसर में मुझे तो केवल 10 दिन हुआ है 11 दिन तो 10 दिन हुआ तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ मधुपुर शहर जो जाना जाता है वह सांस्कृतिक इन्वायरमेंट के नाम से जाते हैं, यहाँ कल्चरल इन्वायरमेंट जो है ना काफ़ी मैंने प्रस्पुरस है, अच्छा है, तो और मैं खुद 4 साल NSS प्रोग्राम अफसर रहा हूँ तो सारे एक्टिविटी से मैं अवगत हूँ, तो मैं अपने यहाँ विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर से मैंने संपर्क स्थापित करके मैं 2 यूनिट को अति शीघ्र प्रारंभ करने जा रहा हूँ, NSS Unit 1 और 2, और उसमें प्रत्येक साल 100 बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद उसका प्रत्येक महीना का कार्यक्रम होता है, और साल के अंत में जो है एक स्पेशल कैंप लगता है, तो मैं सारे NSS के कार्यक्रम की एक्टिविटीज़ को मैं इस महीना से शुरू करने जा रहा हूँ, उसको गति दूंगा। रहा खेल कूद का, तो आप तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स जीवन का एक अहम क्षेत्र है, हमारे बच्चों में जब स्पोर्ट्स की काबिलियत नहीं जगेगी तो मेरे ख्याल से मेरा शिक्षा अधूरा रहेगा, तो मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मेरे यहाँ तो सारे जो ये नए टीचर सब आए हैं सारे इंटेलिजेंट हैं और पोटेंशियलिटी है, तो मैं एक अच्छे टीचर को उनमें अमंग ऑल द टीचर्स हम एक शिक्षक को देने जा रहे हैं स्पोर्ट्स का दायित्व, जो क्रिकेट वॉलीबॉल कबड्डी खो खो सारे गेम को कंडक्ट करावे और कैंपस के अंदर उसका प्रशिक्षण मिले बच्चों को, उसकी व्यवस्था मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चों को समान नहीं है मैं परचेजिंग कमेटी से पास करके वित्त समिति से पास करके और बजावते वैधानिक तरीके से उसकी खरीदारी कर करके
और सारे गेम्स के सारे सामान को मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा ताकि बच्चों में खेलकूद के प्रति भी दिलचस्पी बढ़े। जैसे कि बात करेंगे, यहाँ के बच्चे काफ़ी मेधावी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी आते हैं, लेकिन बहुत उनमें मेघा है उनके अंदर छिपी हुई, तो ऐसे बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखिए मेघावी बच्चों को आपको उसको क्या कहते हैं मोटिवेट करना ही होगा। उसके मोटिवेट का मैं जो मानता हूँ, हमारे महाविद्यालय में पहले भी जो है ना, जो बच्चे मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पर, मान लीजिए जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स फैकल्टीज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग मैंने रिवार्ड देते हैं, चाहे वो रिवार्ड का माध्यम जो भी हो, पुस्तक हो, डायरी हो या कलम हो, उसको मोटिवेट करने के लिए। जब बच्चों के समूह में कोई बच्चा प्राप्त करता है और गुरु के हाथ से प्राप्त करता है, तो आम बच्चों में प्रभाव पड़ता है कि हमको भी पढ़ना चाहिए। तो और उसके बाद जो सारे फैकल्टीज मिला के जो एक और टॉपर जो हुआ करता है, चाहे वो इंटर लेवल पर हो चाहे वह डिग्री लेवल पर हो, तो उसका अलग अलग हम जो है ना, हम मैंने आगे से इस सेशन से प्रयास करने जा रहे हैं, जैसे सेमेस्टर सिक्स में, जैसे सेमेस्टर सिक्स 17 सेशन 17-20 का, 17-20 का बच्चा का रिजल्ट हमारे यहाँ आ चुका है। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं जो है ना उसको एकेडमिक और वित्त समिति से पास करके जो बच्चे फैकल्टी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं एमंग ऑल द स्टूडेंट्स जो टॉप किए हैं, उसको मैं बहुत जल्दी मैंने पुरस्कृत करने जा रहा हूँ, ताकि एक अच्छा मैसेज बच्चों में जाए कि मैंने हमको मोटिवेशन मिला है और हमारे प्रभारी प्राचार्य या शिक्षकगण फैकल्टी जिस दिशा में सतत प्रयासशील हैं। एक आखिरी सवाल सर, मधुपुर महाविद्यालय में एक बृहद बहुत बड़ा पुस्तकालय है, साथ ही लाइब्रेरी कहें, ये लेबोरेटरी प्रयोगशाला भी है और सामान भी उपलब्ध है, लेकिन बच्चों को ना लाइब्रेरी का लाभ मिल पाता है ना ही लेबोरेटरी का, तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? देखिए जैसा कि मेरे यहाँ पुस्तकालय जो है बहुत ही रिच है, मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ कि मधुपुर महाविद्यालय का पुस्तकालय बहुत ही रिच है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, और सबसे खासियत यह है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। जब आप हिंदी का किताब लेने जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये किताब लूँ कि वो किताब लूँ, और अंग्रेजी में भी वही बात है, सोशोलॉजी में भी बात है, पॉलिटिकल साइंस में भी बात है। तो यहाँ दिक्कत क्या होता था ना, कुछ सिस्टम में मेरे ख्याल से फॉल्टी कुछ दोष था। मैं 1 तारीख को पदभार ग्रहण किया और 2 तारीख को ही मैं नोटिस दे दिया हूँ, जो संबंधित लाइब्रेरियन तो नहीं है, उसके जगह विश्वजीत मिश्रा काम कर रहा है, मैं दे दिया हूँ कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को जो ईगरनेस हैं बच्चे, उनको पुस्तक मुहैया कराई जाएगी। जैसे ही पुस्तक 15 दिन होगा उसको जमा करना होगा, अगर बच्चे पुस्तक को जमा करने में डीले करेंगे तो उसको लेट फाइन लगेगा, ये मैं नोटिस दे दिया हूँ और बच्चों के अवेयर किया हूँ, और कर्मचारी को कह दिया हूँ कि देखिए आपको पुस्तक देना ही है, बच्चे को डिसपॉइंटेड नहीं करना है, लौटाना नहीं है, ये उनकी जवाबदेही बन गई। रहे लेबोरेटरी की बात, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे यहाँ साइंस में फैकल्टीज नहीं है, ना तो टीचर है, ना लैब बॉय है, और ना उसमें प्यून है, तो सामान तो जब मैं बरसर था उससे पहले भी सामान तो मेरे यहाँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बोटनी का, जूलॉजी का ढेर सारे अपरेटस हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रायोगिक क्लासेज नहीं हो पा रही है, चूँकि मेरे पास टीचर और स्टाफ की कमी है जी। तो मैं उस क्षेत्र में अभी कुछ आपको एश्योर नहीं करूँगा कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को उसमें थोड़ा ये महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए प्रयास मेरा जारी रहेगा कि उसको कैसे सुसज्जित किया जाए, बच्चों को उसका लाभ मिले, उस दिशा में भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। अंत में मधुपुर के जो अभिभावक हैं, जो जिनके छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ जिनके छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं जो अभिभावक हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मधुपुर जो है अनुमंडल है, और मधुपुर महाविद्यालय में हमारे ख्याल से 9,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटर से लेकर के स्नातक तक का बात कीजिएगा तो 9,000 से अधिक बच्चे प्रत्येक वर्ष यहाँ अध्ययनरत हैं। तो मधुपुर का एरिया बहुत बड़ा है, आप जैसा कि जानते हैं कि उधर जामतारा में कॉलेज है, इधर देवघर में है, उधर गिरडी में है, और इधर धनबाद में है, इसलिए मधुपुर का जो कॉलेज का जो एरिया है बहुत बड़ा है।
हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वे नियमित रूप से अपने बच्चों को ये कोरोना के बाद क्लास भेजें, या नियमित रूप से कक्षाएं लगेगी। हमारे फैकल्टीज बहुत ही टैलेंटेड हैं और सभी सबों के अंदर पोटेंशियलिटी है और पढ़ाने का कार्य संस्कृति भी है, और ऑल टीचर्स एंड स्टाफ्स इज डिवोटेड रिगार्डिंग आवर इंस्टीट्यूशन। मेरा जो फीलिंग्स है, बच्चे हमारे बगीचे के फूल हैं, वो नहीं रहेंगे तो फिर शोभा नहीं देगा। बच्चे आएंगे तो एक अच्छी संस्कृति डेवलप होगी। तो अभिभावक से यही संदेश है मेरा कि वे अपने अपने बच्चों को क्लास करने के लिए भेजें। क्लास जब बच्चे करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी उनकी अच्छी परीक्षा जाएगी। चूँकि आगे जो मेरा स्टेप है, मैं क्लास की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया हूँ। मैं जब से बैठा हूँ तब से मैं क्लास पर सबसे अधिक फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो कमिंग एग्जामिनेशन है वह मैं टेट लेने जा रहा हूँ। वह उसमें किसी प्रकार का कदाचारिता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो तो बच्चे क्लास करेंगे, लेकिन इस तरह से बेवजह जमावड़ा जो कॉलेज परिसर में होता है, कई बाजार के भी लड़के आ जाते हैं जो कॉलेज में नामांकित नहीं है, उनसे कैसे निजात मिलेगी? देखिए ऐसा देखा जा रहा है कि महाविद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी प्रवेश कर रहे हैं जो पास आउट स्टूडेंट हैं। वह मैंने रैंडमली ऐसे घूमते रहते हैं बिना कोई उद्देश्य का, और हमारे मैंने क्या कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं। तो ये सब जो है ना, उसको रोकने के लिए मैं सबसे एक तरीका ढूंढा हूँ, और एकेडमिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी दोनों में मुझे हेल्प करेगा। उसके लिए मैंने ड्रेस कोड को लागू करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया हूँ। ये जो सेमेस्टर वन का मैं ये सेशनल टेस्ट लेने जा रहा हूँ, इंटरनल एग्जाम जिसको कहते हैं, वह शायद 22 या 21 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें सारे बच्चे को मैंने नोटिस कर दिया है कि दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट वियर्स प्रॉपर ड्रेस, दे विल नेवर टर्न अप इन कमिंग सेशनल एग्जामिनेशन। मैं कह दिया हूँ कि जो बच्चे ड्रेस में प्रॉपर इसमें नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, उनको मैं सेशनल टेस्ट में बैठने नहीं दूंगा। चूँकि हमको कुछ कठिनाई होगी, बच्चों को तकलीफ होगा, गार्जियन के पॉकेट से पैसा लगेगा, लेकिन एक बार कष्ट उठाना पड़ेगा। और जब बच्चे ड्रेस में आएंगे तो जितने भी पास आउट जो भेगाबाउंड कुछ मैंने बच्चे घूमते रहते हैं, तो वो बच्चे स्वतः चिन्हित हो जाएंगे और उस बच्चे को कहेंगे कि बाबू तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो निश्चित रूप से उनको खुद खराब लगेगा कि जब सारे बगले के बीच में जब एगो क्या कहते हैं एगो वो आ जाता है तो वो खुद को खुद खराब लगता है। वो खुद आत्महीनता से ग्रस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे वो खुद हमारे ख्याल से वो कैंपस छोड़ देंगे ऐसे। और एक 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 नई संस्कृति भी डेवलप होगी, एक अच्छा कल यहाँ का एनवायरमेंट डेवलप होगा कि सारे बच्चे जब ड्रेस में आएंगे तो कल हमको जो नैक का एक्रेडिटेशन मिलेगा ना, तो उसमें बच्चों का ड्रेस भी एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर सर ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, अपनी चुनौतियों को बताया और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, साफ तौर पर इसके लिए कहा कि यहाँ के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी इनके जो बनाए हुए रूपरेखा हैं उन पर अगर इनका साथ देते हैं तो ज़रूर आने वाले भविष्य में कॉलेज मधुपुर महाविद्यालय नए रूप में दिखेगा और इसकी जो पहचान है वो विश्वविद्यालय तक जाएगी। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़लाइन मधुपुर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।